हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज जो है एक छोटी सी वीडियो बनाने वाले हैं अपनी यमहा मोटरसाइकिल कनेक्ट के ऊपर। कई लोगों के जो है मुझे कमेंट आए थे कि यार जो है ये ब्लूटूथ फीचर जो है अपनी RR5M में, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपना जो मीटर कंट्रोल है या फिर अपनी जो बाइक है वो कनेक्ट करके फ़ोन से, और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि लास्ट पार्किंग लोकेशन या फिर एवरेज वगैरह, वो हम कैसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गाइस यही बात करने वाले हैं। तो अभी जो है एक बार मैं अपने फ़ोन से इसको जो है कनेक्ट करता हूँ एंड आपको जो है स्टार्टिंग से जो है प्रोसेस पूरी बताऊँगा कि अपने फ़ोन में जो है कौन सी ऐप इंस्टॉल करें एंड किस तरीके से आप इसे कनेक्ट करके उस फीचर को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज़, अभी जो है मैंने अपने फ़ोन में, देखिए अपने प्ले स्टोर में जो है आप यहाँ पर यमहा का जो है वाई कनेक्ट ऐप सर्च कर सकते हैं। तो ये वाली जो आप ऐप देख रहे हैं इसको जो है आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। यहाँ से आप जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो छोटी सी ऐप है, आप देख सकते हैं कितनी फास्ट जो है ये डाउनलोड हो चुकी है एंड अब ये इंस्टॉल होने वाले अपने फ़ोन में। तो गाइज़, अभी जो है ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है एंड एक बार जो है इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज़, अब जो है आपको ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का जो है आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना गूगल अकाउंट हो गया या फिर अपने फ़ोन नंबर से या फिर अपने ईमेल एड्रेस से, ये सारे ऑप्शन है जिससे आप जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसमें बस अपना फ़ोन नंबर डाल के इसको लॉगिन करके आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइज़, अभी जो है इसमें मैंने सारी डिटेल डाल दी है एंड आप देख सकते हैं मैंने इसे जो है इसे लॉगिन कर लिया है एंड अब आपको बाकी की प्रोसेस बताता हूँ। ये जो आप छोटी मोटी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, आपको अपना निकनेम, कंट्री वगैरह, जेंडर वगैरह डाल के ये सब आप चाहें तो भर सकते हैं। तो अभी जो है हमने सब कुछ भर लिया है एंड अब हम नेक्स्ट करते हैं और अब आपको दिखाता हूँ इसका इंटरफेस। तो ये आप देख सकते हैं कुछ अब आपको ये इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है एंड जो है अब गाइज़ इसको ब्लूटूथ से पेयर करने के लिए अब जो है इसका स्कैनर ओपन करेंगे एंड इसकी जो सीट है इसे खोल के इसमें से QR कोड है को स्कैन करते हैं। तो गाइज ये जो है हम इसकी सीट कर ली ओपन, आप देख सकते हैं इसको थोड़ी देर के लिए नीचे रख देते हैं एंड यहाँ से जो है आप देख सकते हैं ये वाला जो स्कैनर है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको हमें स्कैन करना है। ये आप देख सकते हैं ओपन आ गया, इसको यहाँ से अलाउ कर दीजिए एंड ओके करके इसको अलाउ ऑल टाइम करके बैक कर दीजिए। तो गाइज़ ये देखिए जो है इसका स्कैनर ओपन हो चुका है, ऊपर की साइड इसका स्कैनर आता है एंड अब जो है इसको एक बार अच्छे से स्कैन करना है। अगर ये स्कैन ले ले तो यार देख सकते हैं ये थोड़ा ना ले लिया इसने, वैसे थोड़ा टाइम लगाता है बट जो है एक बार इसको हम देख लेते हैं। और ये कह रहा है कि व्हीकल की पावर को ऑन कीजिए, तो हम एक बार जो है व्हीकल की पावर को ऑन कर लेते हैं गाइज़। यहाँ पर इसको अलाउ करेंगे हम एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ से पेयर एंड कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, इसको पेयर कर देंगे एंड ये जो अपना व्हीकल है कनेक्ट हो गया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट करके इसके सारे फीचर्स देख सकते हैं। ये अभी हम यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। अब ये देखिए गाइस, अब आ गए हम यहाँ पे, अंडरस्टैंड कर दीजिए। अब ये फ़िलहाल हम हमारा जो बाइक है वो कनेक्ट हो चुका है हमारी इसके साथ, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है RR5 का ये आपको पूरा जो है एक 3D एनिमेशन शो कर रहा है। यहाँ पे जो है बाइक की लास्ट पार्किंग लोकेशन वगैरह सब कुछ शो करेगा। अभी जो मेरी बाइक है आप देख सकते हैं यहाँ पे 397 किलोमीटर जो है रन हो चुकी है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं वो भी ये जितना है कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको दिखा देगा। ये देख सकते हैं आप अलग अलग कंडीशन में जो इसकी माइलेज आई है वो आप इस टाइप से देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट पार्किंग लोकेशन, वो भी आपको ये दिखा देगा कि लास्ट टाइम मैंने जो अपनी बाइक है कहाँ पे पार्क की थी। तो ये जो है गाइस देख सकते हैं आप, जो मेरे घर का एड्रेस है ये आपको पूरा शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। जब आप अपने घर पे इसे कनेक्ट करके यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा इसमें ये सब इसके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं एंड जो इसका वो था रिवर्स मीटर, तो वो आपको ये देखिए ऊपर के साइड मिलता है यहाँ पर। तो गाइस इसका जो रिवर्स मीटर है वो अब ऑन हो चुका है, एक बार जो है रिफ्रेश करना होता है। आप देख सकते हैं इसमें दो रिवर्स मीटर मिलते हैं आपको, एक ऐसा एनिमेशन का और एक ये वाले एनिमेशन का। तो अब जो है बाइक को एक बार हम स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हम बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। ये देखिए एनिमेशन मीटर जो है अपना चालू हो चुका है, जिसे मैं यहाँ रख देता हूँ। अब जैसे जैसे मैं थ्रोटल दूंगा आप देख सकते हैं वो जो इसका मीटर है वो भी बढ़ेगा। ये देख सकते हैं आप एंड इसका जो नेक्स्ट एनिमेशन है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये आपको ये गाइस मुझे पर्सनली काफ़ी प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको RPM जैसा मीटर देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं इसको भी अगर बढ़, ये जो है आपको कुछ इस टाइप का मीटर देखने को मिलेगा इसका। अभी जो एक बार हम बाइक को कर लेते हैं बंद,
तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा कि अपना जो है वाई कनेक्ट ऐप को कैसे यूज़ करना है एंड कैसे कनेक्ट करना है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना एंड ये वीडियो को शेयर कर देना, अगर किसी को भी कनेक्ट करना होगा तो उसकी जो है वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइज किसी नई वीडियो के साथ।